आरोप नहीं था, कोई घोटाला नहीं था, घोटाला होता तो क्यों छोड़ा। मेरे ख्याल से वैकेंसी के नाम पे आप दो चार वैकेंसी SSC निकाल देते हैं, UPSC निकाल देते हैं, तो इससे देश का पेट नहीं भरने वाला है। जो देश के गरीब बच्चे हैं जो इंटर कर रहे हैं, हाई स्कूल कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? कौन सा नेता जो जेल में नहीं गया, कौन सा नेता जेल से बाहर ना आया, किसी नेता का नाम बता दो। झूठी डिग्री, फर्जी डिग्री लेकर लॉ मिनिस्टर बने थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। हर रोज आप एपिसोड देखते हैं जिसपे मैं आपको दिखाती हूँ जनता की क्या राय है लोकसभा चुनाव को लेके 2024 में, किसकी सत्ता आएगी, किसकी नहीं, किसकी सरकार चाहती है जनता, किसकी नहीं, किन किन मुद्दों पे वोट करेगी जनता और किन किन मुद्दों पे नहीं करेगी। यही जानने के लिए आज मैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद हूँ और जनता से ही जानूंगी कि आज उनकी क्या राय है, क्योंकि संजय सिंह को कल जमानत मिली है, उस पर भी मैं चर्चा करूंगी कि वो उनकी क्या राय है कि उनको जेल से आकर बाहर आना चाहिए था या नहीं, या केजरीवाल लोकसभा चुनाव से पहले बाहर आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, उनकी सरकार कौन चलाएगा, कौन उनका पद संभालेगा, कौन नहीं, इसी बात पे आज मैं चर्चा करूंगी और मैं जनता के बीच मौजूद हूँ और जनता से ही पूछूंगी कि उनकी क्या राय है। आप लोग देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का, मेरे साथ जनता है। हाँ जी सर, इस बार ये चुनाव है 2024 का, किसकी सरकार चाहती है? सरकार तो इस दफ़ा ऐसे कि विपक्ष की होनी चाहिए, इसलिए सत्ते में ये कह रहे हैं कि हम अकेले लड़ रहे हैं। अकेले कैसे लड़ रहे हैं ये बताओ आप। 34 दल इसके पास है BJP के पास, कहते हैं कि हम अकेले लड़ रहे हैं, अकेले कैसे है, 34 है। आप गिनते आप देख लो, 34 ऊपर हो जाएंगे। ये तो 28 लड़ रहे हैं, वो तो 34 लड़ रहे हैं। उसके बाद इसकी पार्टी में तो खुद ही आप उड़ीसा में देखो, आप जो मीडिया वाले उड़ीसा में देखो, उसकी खुद इन BJP में से छोड़ के ये अलग से लड़ रहे हैं। उसके बाद बेंगलोर में देख लो, जो उससे लड़ के लड़ रहे हैं वो भी उसका साथ छोड़ रहे हैं। बंगाल में देखो वैसा है, सारी पार्टी तो उसके छोड़ खुद ही BJP से छोड़ रहे हैं। अब ये झारखंड में देखो, उसका पुराना नेता, इतना पुराना नेता उस BJP। दिल्ली में किसकी सरकार चाहते हैं? दिल्ली के अंदर में केजरीवाल तो ही है, केजरीवाल तो अब जेल में है। अरे संजय सिंह आज छूट के आ गए ना, कल छूट के आए थे। हाँ, छूट के संजय जी छूट के आ गए ना धीरे। संजय सिंह पे आप क्या कहना चाहेंगे, 6 महीने बाद उनको जमानत मिली? देखो उसके जब उसको कोई पूर्व कोई आरोप नहीं था, कोई घोटाला नहीं था, घोटाला होता तो क्यों छोड़ा, क्यों छोड़ा ये बताओ ना पहले। क्या वो बोला कि ये घोटाला किया, वो घोटाला किया, इतना आरोप, ये दारू घोटाला, नहीं कुछ मिला। कल जैसे उन्होंने जश्न मनाया संजय सिंह ने, आपको क्या लगता है? आगे हफ्ते में केजरीवाल भी छूट के आ रहे हैं, हम लोग जश्न मनाएंगे। आगे जो आगे दिया ना, अभी अभी तो जमानत देखिए, अभी तो जमान उस पे आए, जमानत पे आए हैं, अभी रिहा नहीं हुए केस, सभी हो जाएंगे आगे हफ्ते का दिया ना, केजरीवाल का तारीख डाला ना, आगे हफ्ते में केजरीवाल की जमानत हो जाएगी और उससे ज्यादा भी जश्न मनाएंगे पब्लिक। कैसे वो तरी पार है ना अमित शाह, उसी पर अमित शाह भी जेल खट के आए थे, जब भी मंत्री बन के बैठे हुए वैसे ही सारे छूट के आएंगे, सारे मंत्री बनेंगे। सर बताइए इस बार किसकी सरकार चाहते हैं 2024? सरकार मोदी सरकार आ रही है, क्यों काम कर रही है? आप क्या कहना चाहेंगे, कल संजय सिंह जो है वापस आए हैं जमानत से, उसके बाद उनका जो स्वागत है पूरे दिल्ली ने बड़े जोरों शोरों से किया, बैंड बाजों से, फूलों की बरसात से, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब ये तो उनको पार्टी को देखना चाहिए ना, स्वागत कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, लेकिन अभी जमानत पे हो, कोई रिहा नहीं हुए, बाकी जश्न मना रहे तो जश्न जिनको मना, अब तो केजरीवाल अंदर पड़े हैं, जिनको मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तो अंदर पड़े हैं, जश्न तब मनाए ना जब ये दोनों बाहर आएंगे। और दूसरा ये कि अगर नीति सही थी तो वापस नहीं लेते, तो वापस ली है तो उसके बाद तो अंदर गए ना, ये 10 साल से तो गवर्नमेंट कुछ नहीं किया। अगर BJP को बोलते किसी ने भी सेंटर से दबाव है तो कुछ भी नहीं है, ED का अपना दोनों सामान भेजे इनको, ये भाग रहे थे इसीलिए भाग रहे थे कि कहीं गिरफ्तार न कर ले। नहीं, ED ने जो है, आपको मैं बता दूं कि ED ने जो है कोई प्रूफ नहीं दे पाया कोर्ट में, इसीलिए कल उनको जमानत हुई है। संजय सिंह के नहीं हुआ ना, संजय सिंह को अभी उन्होंने जमानत में रिहा किया है, उनको छूट नहीं दी है, उनको ये बोला है कि पासवर्ड जमा कर बाहर नहीं जा सकते, इनको शर्तें पे कुछ शर्तें हैं, ठीक है, उनको प्रूफ उनको नहीं मिला तो बाद में जो उनको पता लग जाएगा। क्या लगता है इलेक्शन तक केजरीवाल वापस आ पाएंगे जेल से या नहीं? केजरीवाल तो आते नहीं है, केजरीवाल तो लंबा गए अभी, क्योंकि उनको जो मेन है ना दारू, उनको दारू बांट रहे थे दिल्ली को फ्री में, तो फ्री में अंदर उनको जाना ही था, पहले तो भाग रहे थे, BJP को बदनाम कर रहे थे, मोदी जी ऐसे कर, सेंटर को मतलब क्या है, ED CBI अपनी वो करती है,
अब नौ नौ सम्मान देने के बाद भी केजरीवाल जी नहीं जा रहे थे, अगर बातचीत करते तो शायद था कि अंदर जाने की नौबत नहीं आ रही है कि दिल्ली का जो अगला सीएम है केजरीवाल की वाइफ को उस पद पे देख। हाँ ये तो हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये तो लालू प्रसाद घोटाले जित हिंदुस्तान में जितने बड़े बड़े घोटाले वाले होते हैं वो ऐसे करते हैं, अपनी बीवी को अपने बच्चों को ऐसे बनाते हैं, ये पारिवारिक इनका। आपके हिसाब से बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना तो नहीं चाहिए वैसे सीएम तो, क्योंकि अभी फिर चुनाव लड़ना पड़ेगा उनको, फिर बन जाता है इनकी इच्छा, फिर परिवार का मामला क्या है, कुर्सी तो बैठी गई, देखो उन्होंने संदेश तो केजरीवाल का पढ़ा है ना, कुर्सी पे बैठ गए तो। आप ये कह रहे हो अगर वो बन सकते हैं आपके हिसाब से हो सकता है कि दिल्ली की जितनी भी जनता है वो वोट केजरीवाल को ही दे? वो तो पब्लिक के ऊपर है लेकिन एक देखो तीन बार तो बनी गए सीएम केजरीवाल जी, वादे बड़े बड़े करते थे, काम कुछ नहीं कर रहे दिल्ली का, अपना बंगला देखो 52 करोड़ का बंगले मजे से ले रहे, काम कुछ नहीं कर रहे, केवल पब्लिक को गुमराह। जनता के हिसाब से तो वो काम कर रहे थे, जनता कुछ नहीं कर रहा, केवल प्योर फ्री फ्री कर रहे हैं, बसें फ्री, ये फ्री। आपको ये सब नहीं चाहिए फ्री की सुविधा? फ्री होनी भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए फ्री? फ्री किस बात की फ्री कर रहे हैं ना, 200 यूनिट तक फ्री तो सब्सिडी पहले भी मिलती थी, सब्सिडी पहले भी मिलती थी, कोई नई चीज़ नहीं कर रहे केजरीवाल जी। बाकी जो प्राइवेट में है जो बिल आ रहे ऑफिस में उसमें तो जो 8-8 10-10 यूनिट आ रहे पर यूनिट आ रहे। मोदी जी ने भी तो राशन फ्री कर रखा है, आप उस पर क्या कहें? तो राशन तो कोरोना के बाद हुआ ना, ऐसे तो कुछ नहीं कि पहले से हुआ। तो फिर आप तो कह रहे कोई चीज़ फ्री नहीं होनी चाहिए? होनी नहीं चाहिए। तो वापस से सारी स्टेबिलिटी वापस आ रही है कोरोना के बाद, सारी जितने भी जनता है वापस अपने कामों पे जा रही है, सारी मार्केट्स खुल रही है, सारा काम वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चलता था। अनाज का तो सुप्रीम कोर्ट में कहा था पहले अनाज सड़ता रहता था, अब कम से कम सड़ता नहीं है, गरीबों को पेट काम आ रहा, अनाज कोई दिक्कत नहीं है, अनाज पानी कोई दिक्कत नहीं है अगर इनको लगता है। लेकिन दिल्ली में अपना पानी भी नहीं है, पानी बाहर से आता है, बिजली बाहर से आ रही है, जी जो चीज़ यहाँ तुम पैदा करो ना, हम देखा जैसे जीएसटी मोदी जी जीएसटी लाए, जीएसटी एकदम से कमाई कर दूसरे तो फ्री दे रहे, उसमें गलत नहीं है, गरीबों सिलेंडर बांट रहे, शौचालय बना रहे, वो चीज़ पब्लिक का ठीक है, लेकिन पब्लिक का ठीक है ये 200 यूनिट तक आपको कुछ फायदा नहीं हो रहा केजरीवाल का ये सब कुछ करने सरकार का? उन्होंने हमारे गंदा पानी आया था, बुराड़ी में रहता हूँ मैं, या संजय जहाँ सबसे ज़्यादा वोट से जीता है, तो गंदा पानी आया था, अब हम बाहर से भी बोतल खरीदने पड़ती है तो फिर क्या फायदा है पानी से, जिससे आदमी कपड़े भी नहा भी सकता है। चलिए ठीक है, और भी जनता से सवाल पूछूंगी मैं। ये खा ये है गा, कहा गया खाएगा खाएगा, गाया उसको गाली देने का। अरे भाई सत्ता में जो रहता है वो कहा है, जो विपक्ष में वो खा है, तो वो सोच रहा है कि भाई ये कैसे भगा दिया जाए इनको ताकि हम भी सत्ता का सुख ले चुके हैं। किसकी सरकार चाहते हैं 2024? मैं तो अभी तक जो हमने पिछले 10 साल में देखा, हमने 2014 में जो है, अरे 2015 में मोदी जी को वोट दिया, 2019 में भी मोदी जी को वोट दिया, मगर इस बार हम नहीं चाह रहे हैं कि मोदी जी फिर से आए। किसका चाह रहे हैं, किसका चेहरा चाह रहे हैं कि वापस आए? मैं चाह रहा हूं कि राहुल जी ने पूरे देश भर में यात्रा की, उन्होंने देश भर को समझा है, तो मैं चाह रहा हूं कि उनको एक बार मौका मिलना चाहिए, काफ़ी पढ़े लिखे नेता हैं वो, और शायद से ही कोई इतना विपक्ष का कोई इतना बड़ा नेता उनके इतना पढ़ा लिखा है, जो बंदा सेंट स्टीफन से पढ़ा लिखा है और पूरे देश का उन्होंने भ्रमण किया, तो मुझे लग रहा है उनको एक बार मौका देश की जनता को देना चाहिए। किस मुद्दों पर आप चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आए और राहुल गांधी का फेस आए? मुद्दा तो दो ही बड़ा है भारत में, रोटी कपड़ा मकान, आप अच्छा रोजगार दे दो और आप महंगाई कम कर दो। आपके हिसाब से बीजेपी में रोजगार नहीं मिला आपको? मुझे तो नहीं लगता रोजगार मिला, क्योंकि अभी पिछले दो महीने पहले की बात है, उत्तर प्रदेश में 60 लाख की भर्ती आई थी, यूपी पुलिस की 60 लाख फार्म पड़े थे, 50,000 वैकेंसी थी, पेपर रद्द हो गया, अब 60 लाख बच्चों का हिसाब कौन देगा, उसके पहले ARO का पेपर रद्द हो गया उसका हिसाब कौन देगा, 400 का बच्चों ने फॉर्म डाला था, 400 बच्चे कहाँ से लाए थे, उसके बाद जो भी यहाँ वहाँ से पेपर देने गया जिसका सेंटर पड़ा वो सब खर्चा कौन देगा? सरकार को इस सबसे कोई मतलब नहीं, वो तो बस वैकेंसी वगैरह निकाल रहे हैं। और बाकी आप सेंट्रल लेवल पे देख लीजिए, रेलवे की कितनी भर्ती आई है, गवर्नमेंट की बैंकों में कितनी वैकेंसी आई है, सब जगह खाली पड़ा है। आपके हिसाब से कहीं रोजगार नहीं मिला? और वैकेंसी, मेरे ख्याल से वैकेंसी के नाम पे आप 2-4 वैकेंसी SSC निकाल देते हैं, UPSC निकाल देते हैं, तो इससे देश का पेट नहीं भरने वाला है, जो देश के गरीब बच्चे हैं जो इंटर कर रहे हैं, हाई स्कूल कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? दिल्ली में किसकी सरकार चाहती? मैं अभी तो दिल्ली में केजरीवाल जी की चल रही है, उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में काफ़ी काम किया है, शिक्षा विभाग में काफ़ी काम किया है, तो उनको फिर से एक बार मौका देना चाहिए। पर वो तो अभी जेल में, आपको क्या लगता है जेल से चलेगी सरकार? जेल से तो सरकार नहीं चलने वाली, हालांकि अभी तक उनके उनके पक्ष या विपक्ष में कुछ तो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अभी कोर्ट में मामला है ना, अभी कोर्ट फैसला करेगी उसका, हम लोग तो करने वाले हैं नहीं, बट देखते हैं क्या होता है। केजरीवाल की जो वाइफ है वो अभी सारा पद संभाल रही है? हाँ, अभी केजरीवाल की वाइफ को जो है सारा पद मिला है। क्या लगता है वो आ सकती है इस बारी उनके पद पर? मुझे लगता है शायद, क्योंकि केजरीवाल ने दिल्ली में काम किया है, शिक्षा स्वास्थ्य और उन्होंने इस सब पे काफ़ी काम किया है, तो मुझे लग रहा आ सकता है,
कल उनको भी जमानत मिल गई संजय सिंह को, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, संजय सिंह एक बड़े नेता हैं, बहुत बेहतरीन वक्ता हैं, प्रवक्ता हैं, और उनको जमानत मिला तो ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को चुनाव में बहुत ही फायदा करेगा। कम से कम उनके आम आदमी के पार्टी के पास जो मुद्दे हैं, उनके पास कोई एक ऐसा नेता बाहर आए जो उन मुद्दों को बाहर बोल सकता है। आपको क्या लगता है, फंसाया गया है केजरीवाल को विपक्ष पार्टियों के थ्रू ताकि इलेक्शन का समय है, इसलिए हो सकता है कि उनको थोड़ा कॉम्पिटिशन ज़्यादा लग रहा था? देखिए, मैं तो ये नहीं कह सकता हूँ कि उनको फंसाया गया है, क्योंकि मैटर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में है, तो कोर्ट जो फैसला करेगी उसका हम स्वागत करेंगे। हम पढ़े लिखे लोग हैं, मैं लोकतांत्रिक देश का निवासी हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि उनको फंसाया गया है। अब जैसा जनता, अरे जैसा आप क्या कहेंगे संजय सिंह? आप जो पत्रकार महोदय ये बोलो फंसाया गया है, अगर मान लो दारू की शराब नीति पहले सही था तो उसको आप चेंज क्यों कर दिए? अगर चेंज कर दिए तो फिर उसको बंद क्यों कर दिए? भाई, चेंज भी आप ही किए, बंद भी आप ही किए, क्यों कर दिए? कुछ कारण तो होगा ना, तभी आप बंद किए। अगर नीति नया लाए तो नीति को बदलाव के नीति को फिर बंद क्यों कर दिए जब आप दे रहे थे? कल जैसे संजय सिंह जो हैं उनको जमानत में मिली, कल उनका बड़े जोरों शोरों से उनका स्वागत किया गया। ये भारत लोकतंत्र है, आपको पता होगा यहाँ जेल बेल खेल 12 महीना 36 दिन चलता है। कौन सा नेता जो जेल में नहीं गया, कौन सा नेता जेल से बाहर नहीं आया, किसी नेता का नाम बता दो। मोदी के हिसाब से क्या बीजेपी क्लीन चिट? भारत के अंदर में जेल बेल चालू रहता है, आपके हिसाब से बीजेपी क्लीन चिट है? मैं बता रहा हूँ, आपने देखे यही सुप्रीम कोर्ट है जो रात को भी खोलने पड़ जाता है, पॉलिटिक्स के चक्कर में रात को सुप्रीम कोर्ट खोलने पड़ जाता है। ये भारत डेमोक्रेसी में ये जेल बेल खेल चलते रहता है, इस पर आप मत जाओ, समझ गए? जेल जाएंगे तो हाँ जी, जाने के लिए तो जाने के लिए ठीक है, जाना चाहिए, पर मालूम है एक बात, कांग्रेस का बीजेपी का जा रहा, बाकी का क्यों नहीं जा रहा भाई? कांग्रेस का उसके जा रहा, आम पार्टी का जा रहा, बीजेपी? आप बताइए, कह रहे हैं बीजेपी का क्यों नहीं जा रहा? अब इनको बता दूं भाई साहब, यहाँ पे जो सरकार किसकी है, किसकी सरकार है? केजरीवाल के, पंजाब में केजरीवाल की सरकार है, क्यों नहीं भेज रहे कांग्रेस पार्टी के नेता को भेज? अरे सुन तो सही, स्टेट क्या करेगा भाई, जब स्टेट से बड़े बैठा हुआ भाई मेरे पीछे, पता नहीं है, स्टेट लेवल का भी पावर होता है अपना, एक सीएम के भी लेवल की पावर होता है, जो अगर कोई गलत कर रहा है, जो चोरी कर रहा है, जो गलत कर रहा है, उसको जेल भेजने का काम कर सकता है कि नहीं स्टेट? एक सीएम के भी काम होता है, जो गलत कर रहा है उसको भेजने का काम करते हैं, कह रहे सीएम के भी गलत काम। मेरी बात सुनो, बीजेपी का एक सपना मैडम, 25 साल हो गए दिल्ली में जीत नहीं पाया, क्यों नहीं जीत पाया? कुछ कारण तभी तो मैडम, तो ये सोच रहे मैं केजरीवाल जी को हटा दूं, कांग्रेस को हटा दूं, फिर सब मैं जीत जाऊं, 25 साल हो गए। आपको क्या लगता है कि केजरीवाल को जेल से आने देंगे इलेक्शन तक वह बाहर? मैडम आने के लिए तो सभी आएगा मैडम, लोग ऊपर जाने के बाद नीचे भी तो आ जाते मैम दोबारा मैडम। कहाँ से आ जाते? और क्या, हेलीकॉप्टर में उतरने के बाद नीचे नहीं आते मैडम? हेलीकॉप्टर पानी बिजली माफ, दिल्ली की जनता दारू पी के साफ। यहाँ का जो योजना आपने बताया, जो कांग्रेस पार्टी को अरविंद केजरीवाल के सरकार आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से साफ कर दिया, चाहे पंजाब से कांग्रेस को साफ कर दिया, गुजरात से हाफ कर दिया, वही केजरीवाल को कांग्रेस पार्टी ने माफ कर दिया। आज वही कांग्रेस पार्टी कोष के गोद में जाकर आम आदमी गोद में बैठा है। आज हमारे देश के, भारत के देश के अंदर में जो बात है, जो पक्ष विपक्ष दोनों मजबूत चाहिए, विपक्ष भी मजबूत चाहिए, विपक्ष में जो है से कांग्रेस पार्टी को आना चाहिए। अगर पुराना एक पार्टी, नेशनल पार्टी है, पुराना पार्टी है, 1885 से गठन हुए, 1985 से गठन हुआ, 1885 से गठन हुआ पार्टी है, इतना पुराना पार्टी है, 4 दिन आया हुआ अरविंद केजरीवाल को 2013 में सरकार बनाया। आप किसकी सरकार चाहते हैं? बीजेपी। क्यों? अच्छा काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को जेल भेज रहे हैं, आप देख लो उदाहरण, केजरीवाल जी जेल में तो उनके करतूत। संजय सिंह को जमानत हो गई, एक बात बताओ। अरे मेरी बात सुनो अभी, अरे सुन तो ले भाई मेरे, तूने क्या बोला, भ्रष्टाचार खत्म कर रहा है ना भाई, मैं भी बोल सकता हूँ ना। हाँ तो वही तो कह रहा ना, चलिए पहले उनकी सुन लेते हैं। हाँ जी बोलिए, आप बोलिए। एक बात बताओ, दिल्ली की जनता को पानी फ्री दे रहा है, बिजली फ्री दे रहा है, और काफ़ी सुविधाएं फ्री दे रहा है। दिल्ली अभी कितने कर्जे में, इससे पहले थी तो अगर मान के चले, कर्जे में इतने कर्जे में कि शायद की बात है कि मुख्यमंत्री नहीं चुका पाएगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर केजरीवाल जी सही हैं तो अपना फ़ोन का पासवर्ड और उसका लैपटॉप का पासवर्ड क्यों नहीं बता रहे वहाँ पे? क्यों भूल गए? पासवर्ड कोई भूलता है क्या? मैं तो नहीं भूलता अपने फ़ोन का। कहने का मतलब, अगर केजरीवाल सही था, केजरीवाल सही था, 9 बार आपको समन जारी किया, जो ईडी ने नमन समन जारी किया, आपको पहले ही समन में आपको हारेंगे। आप इस पे क्या कह रहे हैं, समन जारी किया लेकिन? अरे उसने तो, अरे वो बात सुन ले, कंबला कर पे ओबीसी का आदमी का नाम नहीं ले रहा हूँ। नीरज मोदी भी थे, ललित मोदी, खास मोदी के बंदे, हाँ चोर तो भी थे जो पैसा लेके हमारा भाग गए, मोदी के बंदे थे ना, नीरज मोदी, ललित मोदी। लेने के बाद उसने क्या बोला जी, इसमें किस मुद्दे पे बुलाया बता दो मुझे, कुछ मुद्दा बताया नहीं था। आज यही लोग बोलते हैं कोर्ट को मोदी खरीद लेते, लेकिन ईडी भी तो अभी तक प्रूफ नहीं कर पाई है, ईडी भी तो अभी प्रूफ नहीं कर पाई है। अरे भरोसा नहीं है, ये कोर्ट पे भरोसा नहीं है? अरे कोर्ट, अरे ईडी भी तो प्रूफ नहीं कर पाई है, उस पर क्या बोलेंगे?
उसको जमानत मिला है, बरी नहीं किया गया है। आपको पता है शर्त पे अभी तो जमानत मिला ना, ईडी प्रूफ नहीं कर पाया। उसको बोला है जो आप जांच में सहयोग करो, बाहर आने के बाद जमानत सहयोग करो। आज जो अरविंद केजरीवाल है, आपने देखो आरटीसी के ऊपर आरोप लगाया कि नहीं लगाया, चाहे उसको भारद्वाज के ऊपर आरोप लगाया कि नहीं लगाया, बोला जो ये जो गोवा के चुनाव में आरटीसी का अध्यक्ष था, आदि इसकी जिम्मेदार है या नहीं है? ये भाई को नॉलेज नहीं है, थोड़ा सा कम नॉलेज। किसकी सरकार चाहते हैं 2024? मैं चाहता हूँ कि सरकार मतलब जिसकी भी बने, लेकिन एक होता है पक्ष और विपक्ष दोनों रहने चाहिए, पक्ष विपक्ष दोनों रहने चाहिए। ये सरकार जो है मुझे नहीं लगता लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन कर रही है। कारण ये है कि कभी भी कोई भी, लोग कहते हैं सड़कों पे विपक्ष दिखाई नहीं देता, लेकिन जब भी लोग प्रदर्शन करते हैं उन्हें तमाम तरीके से प्रताड़ना दी जाती है, प्रशासन जो है उन्हें अपनी गिरफ्त में रखती है, तो खुल के प्रचार प्रसार भी नहीं कर सकते अपना। अभी तमाम सारे कांग्रेस का अकाउंट भी फ्रीज किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी के तमाम सारे नेताओं को भी जेल में रखा जा रहा है, तो ये उचित नहीं है, हमें नहीं लगता उचित है। क्योंकि अभी अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं तो तमाम सारे नेता हैं जो बाहरी थे और भाजपा में शामिल होने के बाद से उनका स्थिति ऐसा हो गया कि अब एकदम प्योर हो गए हैं। अब ये सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन अब राष्ट्रवाद के नाम पे लोग, कोई भी ऐसा नहीं है कि इस देश का जो है, इस खूबसूरत देश का टुकड़ा चाहता है। दिल्ली में किसकी सरकार? दिल्ली में तो फिलहाल तो अभी लोकसभा का चुनाव है, तो दिल्ली की बात अलग है। दिल्ली के बारे में मैं लोकल यहाँ का हूँ भी नहीं, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। यूपी में योगी जी हैं, ठीक है, लेकिन तमाम सारे मुद्दे ऐसे भी हैं जिसको इग्नोर नहीं किया जाता। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कह सकते हैं हम कि अभी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। अभी मैं जल्दी ही देख रहा था, एक क्लिप देख रहा था, आईआईटी बॉम्बे के लड़कों को जो है नौकरियां नहीं मिल रही हैं। तो ये भी तमाम सारी बातें हैं, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि यही हमारे देश का भविष्य है। तो इस पर भी इनको ध्यान देना चाहिए। केवल राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद कौन नहीं राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवादी कौन नहीं है? सब है, कांग्रेसी नहीं है? 70 साल से देश को बेच दिए, ऐसा कुछ नहीं है। आईआईटी कानपुर, सारे आईआईटी जो कॉलेज टॉप इंस्टीट्यूट है वो कांग्रेस की देन है, ऐसा नहीं है। मैं किसी पक्ष का, मैं पार्टी का पक्ष नहीं लेना चाहता, लेकिन ये है लोकतंत्र अगर आप जीवित रखना चाहते हैं, मेरा और आपका सबका ये उद्देश्य होना चाहिए कि लोकतंत्र जीवित रहे, इसके लिए पक्ष भी जरूरी है, विपक्ष भी जरूरी है। तमाम सारी मीडिया का कैप्चराइजेशन भी हो रहा है, ये भी नहीं सही है। मीडिया को भी स्वतंत्र रखना चाहिए, कोर्ट्स को भी स्वतंत्र रखना चाहिए, सारे इंस्टीट्यूट एक तरह से घिरे हुए हैं, और ये हमारे और आप दोनों के लिए जो है ये खतरनाक है। किसकी सरकार चाहते हैं इस बार? मैं तो नोटा दबाने वाला हूँ। क्यों? बिकॉज जहाँ तक बीजेपी का सवाल था, आई वॉज अ कोर सपोर्टर ऑफ बीजेपी, बट इन रिसेंट टाइम्स, लास्ट फ्यू मंथ्स, मेरा स्टांस थोड़ा चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड एंड जैसे लद्दाख में जो हो रहा है अभी, सोनम वांगचुक बहुत देर से, दिनों से उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, प्लस जो अभी वो जो बॉक्स रेसलिंग फेडरेशन का केस हुआ था ब्रिजभूषण का, तो उससे मेरे पॉलिटिकल स्टांस में थोड़ा तो चेंज आया है। आप दिल्ली में किसकी सरकार चाहते हैं? दिल्ली में तो आई थिंक केजरीवाल वाज डूइंग गुड, क्योंकि जो जेल में है केजरीवाल, देखिए जो जिनकी सरकार रहती है वो तो पावर का यूज़ तो करते ही हैं, दैट हैज बीन द केस ऑफ कांग्रेस एज वेल एज बीजेपी। तो आपके हिसाब से बीजेपी वालों ने उनके ऊपर आरोप लगवाए? बीजेपी हाँ, वो तो है अपने पावर का बहुत अच्छे से। ईडी के साथ आपके हिसाब से मिली हुई है? ईडी की सज़ा मिली ही है, ऐसे बहुत सारे केसेस थे जहाँ पे बीजेपी ने, जो बीजेपी के साथ जिन्होंने हाथ मिलाया उनमें सबके केसेस माफ़ हो गए, जैसे आसाम के सीएम थे और भी बहुत लोग हैं जिन्होंने जब बीजेपी का दामन थामा तो उनके सब दामन साफ़ कर दिए गए। तो मैं ये नहीं कहूँगा बीजेपी इज़ करप्ट फ्री, बट या लास्ट 10 ईयर्स दे हैव डन सम जॉब, बट अभी जो रिसेंट टाइम्स में लास्ट 1 ईयर और सो दे हैव बीन ओवरली यूजिंग देयर पावर। आपके हिसाब से जैसे कल संजय सिंह को जमानत मिली, केजरीवाल को इलेक्शन तक मिलेगी? अगर नहीं मिलेगी तो ये तो डेमोक्रेसी का गलत जमाना है एक तरह से। दिस इज़ नॉट फेयर इलेक्शंस। आप अपने सारे इलेक्टोरल बॉन्ड ले लीजिए, 8,000 करोड़ दे गॉट, जिसका कोई चिट्टा बट्टा नहीं है। कंपनी ऑफ वैल्यूएशन ऑफ 600 to 1,000 crore इज गिविंग 1,200 crore टू बीजेपी, उसका कोई जवाब नहीं है, जिसमें अमित शाह बोलते हैं कि बाकी औरों को इतना चंदा मिला है, तो उनके पास क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं है, दैट शोज देयर उनका स्टांस क्लियर नहीं है मतलब। ठीक है, और भी जनता से सवाल पूछूंगी, किसकी सरकार चाहती है? केजरीवाल। क्यों? बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। क्या बेनिफिट्स हैं आपके हिसाब से? बिजली फ्री है, पानी फ्री है। हाँ। तो फ्री के उस पे आप उनको चुनेंगी सरकार? नहीं, वो
इंसान भी अच्छे हैं, इंसानियत है उनके अंदर। मोदी जी बुरे नहीं हैं, मैं ये नहीं कह रही मोदी जी बुरे हैं, पर केजरीवाल के जैसे नहीं है, केजरीवाल जैसे नहीं है। किन किन, जैसे कल आपने देखा कि संजय सिंह को जमानत हुई, केजरीवाल जी अभी भी लॉकअप के पीछे ही हैं, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? आप बताइए क्या कहना चाहिए? क्या यहाँ दिल्ली में, दिल्ली के लिए बेटर है केजरीवाल, क्योंकि यहाँ पे जो आम आदमी के जो भी बेसिक नीड्स है, बिजली पानी वो सब फ्री में, और महिलाओं के लिए बस फ्री है, तो आदमी की बचत होती है। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जैसे केजरीवाल जी अभी जेल में हैं, कल संजय सिंह को जमानत मिली, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल को भी बेल मिलेगी। आपको लगता है इलेक्शन से पहले बेल मिल पाएगी? हाँ मिल जाएगी। सरकार चाहते हैं हम? मोदी की सरकार चाहते हैं मैडम जी। क्यों? हाँ वजह यह है, सबसे पहले देश में अगर बैंकों ने खाता खोला बिना विटनेस के खोला, किसके आदेश पर? मोदी जी के आदेश पर। आप बैंक में जाइए, फार्म लीजिए और जनधन खाता खोलिए। और उसके बाद दूसरा काम उन्होंने क्या किया? स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। तीसरा काम क्या किया? तीन तलाक का मुद्दा इतना बड़ा था, उसको पार्लियामेंट से बिल पास करा दिया। चौथा काम क्या किया? राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्य आपके सामने है। आज मोदी ने जो काम कर दिए वो सपने में कभी सोचा नहीं जा सकता था। दिल्ली में अब किसकी सरकार आ रही है? दिल्ली में भाजपा राजधानी है, वो हिंदुस्तान की राजधानी, और राजधानी में मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, और प्रधानमंत्री वही रहे थे और हैं और रहेंगे। तीसरी बार फिर अब की बार 400 के पार मोदी सरकार। केजरीवाल जेल के पीछे, ठीक है, कल संजय सिंह को जमानत मिली, उस पे क्या कहना चाहेंगे? अरे हम बहुत कुछ कहना चाहेंगे, सुनना नहीं चाहेंगे। मैं सुनूंगी, आप नहीं सुन रही, मीडिया वाले नहीं सुन। अरे मैं सुनूंगी, आप सुनाइए। अरे 2011-12 में जब धरना दे रहे थे जंतर मंतर पे, तो कहे थे हम भ्रष्टाचार को दूर कर देंगे, कांग्रेस का एक एक नेता जो भ्रष्टाचारी है उसके लिए हम जन लोकपाल बिल लाएंगे। और जब वो सरकार में आए, विधानसभा में गए, तो उसी कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई, और सरकार बनाने के बाद सरकार गिर भी गई। जनता तो ये भी कह रही है कि केजरीवाल के बाद हो सकता है कि उनकी बीवी जो है पद संभाले। ये उनका अपना घर का मामला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी, उस आम आदमी पार्टी में कौन सा आम आदमी शामिल है ये बताइए ना मेरे को। मीडिया बताए कि आज ही उस आम आदमी पार्टी में कोई आम आदमी शामिल है। नाम क्या रखा? आम आदमी पार्टी, यानी कॉमन मैन पार्टी। यहाँ का एक भी आम आदमी बता दे कि हाँ भाई मैं केजरीवाल से कभी मिला हूँ, एक आम आदमी बता दे। और उसके बाद मैडम जी बताऊंगा, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, अरे एक आदमी भ्रष्टाचारी होगा आम आदमी पार्टी का। अरे भाई मिलने जाओगे तुमको मिलेंगे, पांच पांच आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। और कानून मंत्री जिसके पास कोई डिग्री नहीं थी, नकली डिग्री लेकर कानून मंत्री बन गए थे। मैं नहीं कह रहा, मैं गए उसमें आतिशी और सौरभ भारद्वाज का भी नाम आ गया, वो भी आ गए। लिस्ट बहुत लंबी है मैडम, लिस्ट जो है। और आज तो हद हो गई, केजरीवाल की तस्वीर लग रही है भी बाबा साहेब और सगी शहीद भगत सिंह के बीच में लग रही है केजरीवाल की तस्वीर। मैडम जी नहीं नहीं, यू आर रॉन्ग। पूरी बात, पहला मंत्री कौन गया? कानून मंत्री कहाँ गया? कहाँ गया? झूठी डिग्री, फर्जी डिग्री लेकर लॉ मिनिस्टर बने थे। दूसरा हवाला कांड में गया कौन? दिल्ली का हेल्थ मिनिस्टर, दिल्ली का हेल्थ गया कोरोना में, लाखों आदमी दिल्ली का मारा गया, और ऑक्सीजन नहीं थी दिल्ली के अंदर, और आम आदमी पार्टी की सरकार 100-100 करोड़ रुपए का कारोबार कर रही थी शराब का। बताऊंगा, जब चुनाव हुए पंजाब में, तो हमारी यही आम आदमी पार्टी सरकार कहती हम पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे। पंजाब नशा मुक्त नहीं हुआ, पर दिल्ली को नशा युक्त कर दिया। एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल फ्री। मैं अपने भाइयों से जानना चाहता हूं, कोई ये बताए क्या एक बिस्लेरी बोतल के साथ एक पानी की बोतल आपको फ्री मिली? बताइए, बताइए। तो गंदा मिल रहा है, पानी गंदा आ रहा है। 15 लाख मिला है, कुछ नहीं मिला। हमें भी तो मिलता, कुछ नहीं मिला। 15 लाख मिला रहता तो ये शक्ल नजर नहीं आती।
किसी आपकी 15 लाख ये झूठे नारे देके 10 साल उन्होंने लूट के पढ़े लिखे हैं ये बोले सकल न जाने 15 लाख रुपए में होता क्या है सकल 15 लाख रुपया है। सुनिए ये सरकार जो है गलत नारों पे आके कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से थोड़ी सी उनकी नीतियां गलत हुई उस वजह से आए पूरे देश को उन्होंने बर्बाद कर दिया है। ये मैडम ये जो सुनिए ये चोर मसेरे भाई सब इकट्ठे हो गए जिन्होंने देश को लूट के खाया है देश को लूट खा रहे हैं और यही वो लोग हैं जिनको इनकी वृद्धों की पेंशन बंद कर दी उन्हीं को तिहाड़ जेल में 2 नंबर की कोठी दे दी है वो जो नंबर में ऐश कर रहे हैं अब इन्होंने वृद्धों की पेंशन खा के ठीक है जो देश की राजनीति बदलने आए थे जमुना जी को साफ करने आए थे जमुना जी में झाग बह रहा है अब सुनीता केजरीवाल को वहां जाना पड़ेगा डुबकी लगानी पड़ेगी तब जमुना जी साफ होंगी ठीक है ना ये झीलों का शहर बनाना चाहते थे ठीक है ना इसको आपको आप क्या है आप लंदन और पेरिस में खड़ी हैं आप मुझसे पूछ रही हैं और मैं जवाब दे रहा हूँ कहाँ पे लंदन और पेरिस में ये कर दिया है इन्होंने लोकपाल बिल लाने को था लोकपाल बिल गया जन लोकपाल आपके हिसाब से इलेक्शन तक आएंगे केजरीवाल जेल से बाहर या नहीं ये उनके लिए वो 2 नंबर ही थे 2 नंबर में पहुंच गए वही रहना उन्होंने आराम से पता करते क्या थे कि वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ रुपए दे दिया इन्होंने 100 करोड़ रुपया वक्फ बोर्ड को दे दिया और हिंदू कहाँ है देखिए ना वही प्रूफ तो बताते हैं वो कि ये 100 करोड़ और कहाँ से लिया आतंकवादियों से लिया गया फंडिंग देखिए खालिस्तानी आतंकवादी चलिए बहुत सारी जनता जुड़ी है हाँ जी बोलो पूरे देश के अंदर पागल घोषित कर रखा है मोदी जी ने एक मैसेज भेजा था उसके बाद में और जबकि क्लाइमेट चेंज ये सारा प्रोग्राम मेरा मैंने लिखा है सारी स्क्रिप्ट आतंकवादियों को मारने का स्टील का कवच का आइडिया मेरा था बहुत कुछ मैंने लिखा है 10 सालों तक और मुझे मैसेज भी भेजा है वापस डियर मोहन नए भारत सुरक्षित भारत मजबूत किसने भेजा आपको मैसेज वापस जी ने भेजा अच्छा आपसे मोदी जी ने आपसे टेक्स्ट में बात की हाँ मैसेज भेजा वापस डियर मोहन नए भारत सुरक्षित भारत मजबूत भारत के निर्माण में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है मैं आपके जुनून को सल्यूट करता हूँ आपका नरेंद्र मोदी हम सेंट्रल में मोदी सरकार चाहते हैं लेकिन हमारे जो स्टेट में है वो कांग्रेस चाहते हैं बताइए क्यों मैं जोधपुर से बिलोंग करता हूँ मैडम हमारे वहाँ की सरकार जो चला रही है अभी गजेंद्र सिंह शेखावत है अभी जो उन्होंने हमारे स्टेट के होके वो जल शक्ति मंत्री है अभी तक कोई पानी की व्यवस्था कुछ नहीं करवाए वो अगर हमारे स्टेट की नहीं करवा सकते तो वो दूसरे की तो कोई सोच भी नहीं सकता है और उसके तहत अब की बार वहाँ पे कांग्रेस सरकार पूर्णतः बहुमत के साथ जीतेगी जोधपुर के उच्चाड़ा ठीक है जितने भ्रष्टाचारी थे जिनको आज तक कहा जा रहा था कांग्रेस में भ्रष्टाचार कांग्रेसी भ्रष्टाचार वो सारे भ्रष्टाचारी अभी भाजपा में महिमा मंडित हो रहे हैं ऊंचे जगहों पर बैठे हुए हैं अब कोई बताइए हाँ यही मैं आपसे पूछूंगी नहीं झुके तो उनको जेल में डाल दिया गया अब पब्लिक भी क्या कह रही है सर सबूत कुछ नहीं देखिए जेल में डाल दो देखिए केजरीवाल साहब ने क्या करा आबकारी नीति ले आए आबकारी नीति में क्या करा एक के साथ एक फ्री कर दी सरकारी ठेकों को प्राइवेट ठेकों में बेच दिया कोरोना के टाइम पे क्या करा कोरोना के टाइम पे अपना शीश महल तैयार कर दिया उस समय होटलों में क्या करते थे मनीष सिसोदिया जी और केजरीवाल साहब शराब की आबकारी नीतियां बनाने में व्यस्त थे ठीक है ना साउथ से बुला के लाए उत्तर को भी छोड़ दिया चलिए जनता की हमने राय सुनी कि क्या चाहती है जनता इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए लेकिन फैसला तो 4 जून को ही होगा लेकिन अभी इस बार जो है दिल्ली में थोड़ा सा मामला जो है 50-50 लग रहा है कुछ कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आनी चाहिए कुछ कहते हैं कि केजरीवाल की आनी चाहिए और कुछ कहते हैं कांग्रेस की आनी चाहिए लेकिन ये तो डिसाइड होगा कि 4 जून को कि किसकी सरकार आएगी कौन सी सरकार सत्ता में रहेगी या नहीं रहेगी बाकी की आप तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।